जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ आप लोगों का मैथ एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्स रेज यानी एक्स किरणों के बारे में, और एक्स किरणें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो चर्चा करने वाले हम लोग एक्स रेज के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक्स रे यानी एक्स किरणें, तो इनकी खोज इसका खोज किसने किया था? तो सबसे पहले इसकी खोज जो है रॉन्टजन ने की थी। रॉन्टजन ने खोज की थी जो 1895 में की थी। और एक्स किरणें प्राप्त कैसे किया जाता है तो बहुत ध्यान से समझेंगे। उच्च उच्च कैथोड किरणें यानी कि उच्च वेग की, यहां पे लिखा जाए उच्च वेग की कैथोड किरणें होनी चाहिए, है ना? कैथोड किरणों को और टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, तो ऐसे टंगस्टन मोलिब्डेनम होता है कुछ, और आपका प्लेटिनम जैसी उच्च गलनांक वाली धातुओं तथा उच्च भार वाली धातुओं से, जैसे उच्च भार का आप जैसे जो आवर्त सारणी में नीचे के धातुएं हैं उनको ले सकते हैं, आपका लोहा वगैरह भी हो सकता है उसमें, ग्लास हो जाएगा, कांच इत्यादि पे उसको प्रवाहित करते हैं तो एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। फिर से उच्च वेग की कैथोड किरणों को उच्च उच्च परमाणु क्रमांक वाली यानी कि उच्च गलनांक वाली धातुओं तथा उच्च परमाणु भार वाली धातुओं से पे प्रवाहित करने पे एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। तो ये रही, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है इसलिए, और बाकी ये धातुएं और भारी धातुओं में तो आप जानती हैं, तो ऐसे हम एक्स किरणों को प्राप्त कर सकते हैं। और एक्स किरणों से संबंधित चीजें, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है ये इतना होती है। और जो कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें, तो उनको मृदु या कोमल एक्स रेज कहते हैं, और जिनका एंगस्ट्रॉम ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, उसे हम उच्च एक्स रेज कहते हैं, एक्स किरणें कहते हैं। तो डॉक्टर इसका प्रयोग जो है 60,000 विभवांतर वोल्ट पर करते हैं, 7,000 वोल्ट पे विभवांतर उत्पन्न करके इसका प्रयोग करते हैं। और एक्सरेस, तो अच्छा एक्सरेस इतना डॉक्टर उपयोग करते हैं, डॉक्टर जब जो हमेशा इसका काम करते रहते हैं वो कांच वाले कपड़े चश्मे पहनते हैं, जिससे कि उनके शरीर में भी कोई इफेक्ट ना पहुंचे, क्योंकि एक्स किरणें जो होती हैं और उनका उपयोग जो है देखा जाए तो बहुत कुछ है। उससे पहले हम पहले देख लेते हैं और चीजें, फिर उपयोग को देखेंगे। तो ये इनका विभवांतर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और इनका जो तरंग वेग होता है एक नॉर्मल प्रकाश वेग जैसा ही होता है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है 2×10⁻⁴,
एक रंजन, तो एक रंजन का मान इतना होता है। तो एक व्यक्ति नॉर्मल एक रंजन चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, तो जिसका मान होता है 2.5×10^4 जूल, ये इसकी ऊर्जा है। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं, जो सबसे ज्यादा उपयोग ही पूछा जाता है, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी नहीं, ये बड़ा सा टॉपिक है नहीं, उपयोग में क्या है। सबसे पहले तो इसका उपयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। किसमें? सीटी स्कैन में। तो इसका हम नाम बता देते हैं, सीटी स्कैन में जिसका पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, फिर से सुन लेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इसका जो और उपयोग है, जैसे कैंसर के इलाज में है ना, कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। अब कैंसर का इलाज कैसे करते हैं? आपको पता है कि जो एक्सरेज होती हैं वो कोशिकाओं से होकर जाती हैं, तो कोशिकाएं जो कैंसर जनित होती हैं, जो बेकार सी होती हैं, रुग्ण होती हैं, उनको नष्ट कर देता है और इससे कैंसर का भी इलाज हो जाता है। और ज्यादा एक्सरेज पड़ने पे हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो सकती हैं। आप जानते हैं कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो ये कैंसर के इलाज में भी यूज में लाया जाता है। दूसरा, आपके शरीर के अंदर जैसे कुछ लोग होते हैं, अच्छा इलाज और भी, जैसे हड्डियों का इलाज होता है तो हमें ये पता चल जाता है, एक्सरे करवाते हैं तो हड्डियों से संबंधित इलाज होता है, इसका डॉक्टर लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो मांसल कोशिकाएं होती हैं उनसे निकल जाता है और हड्डियों पे रुक जाता है, जिससे उसे वाइट दिखाया जाता है और जो मांस वाला एरिया होता है उसे हल्का भूरा सा दिखाता है। उसके बाद कुछ लोग आप देखते होंगे, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं या और भी कहीं जगह, तो देखते हैं ऐसा कुछ चेक करते रहते हैं गेट पे, तो वो भी एक्सरेज ही होती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं किसको, अगर भारी धातु वगैरह आप लिए हुए हैं, मूल्यवान वस्तुएं जैसे हीरा सोना इत्यादि शरीर के अंदर लोग छिपा के ले जाते हैं ना, जैसे भी करके, तो उसको भी पता लगा लेता है। और तो ये कुछ यूजफुल चीजें थी, बस। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक भी तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन जो है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।